हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है दोस्तों। वन प्लस ने कर दी अपनी एक स्मार्ट टीवी लॉन्च, जो कि है भाई वन प्लस वाई वन एस प्रो। ये ना भाई देखो, दो साइज में लॉन्च करी है कंपनी ने, एक 43 इंच एक 50 इंच। सो बात करने वाले हैं इसी स्मार्ट टीवी के बारे में, डिटेल में बात करेंगे, सब कुछ चीज बताएंगे। लेकिन उससे पहले यार, यहाँ तक आए सब्सक्राइब तो मार दो यार, सब्सक्राइब मारो, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ तो मजे ही नहीं आते, तो सपोर्ट दिखाओ भाई। तो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। एंड सबसे पहले बात करते हैं इसकी डिस्प्ले के बारे में। तो देखो 43 इंच की डिस्प्ले के बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो 43 इंच की आपको यहाँ डिस्प्ले मिलती है, 4K इसमें सपोर्ट है, आप इसमें 4K भाई वीडियो चला सकते हो। HDR 10 प्लस का आपको इसमें सपोर्ट मिलता है। और भाई इसमें ना 1 बिलियन कलर्स, मतलब आप इसमें जो भी चीज़ देखते हो ना, वो आपको काफ़ी बढ़िया दिखाई देती है। कलर वगैरह जो भाई काफ़ी अच्छे आपको काफ़ी प्यारे दिखाई देते हैं। एंड भाई इसमें ना आपको स्पीकर जो मिलते हैं, वो मिलते हैं 24 वॉट के डॉल्बी ऑडियो के आपको इसमें स्पीकर मिलते हैं। तो साउंड क्वालिटी डिसेंट है, ज़्यादा हाई क्वालिटी का आपको इसमें स्पीकर नहीं मिलते, क्योंकि इसका प्राइस जो है वो काफ़ी कम है। चलो प्राइस मैं आपको बता देता हूँ, 43 इंच का जो कंपनी ने भाई प्राइस रखा है वो 28,990 रुपये है। डिस्काउंट लगाओगे तो कम से कम 27,000-26,000 की आपको स्मार्ट टीवी मिल जाएगी। एंड जो 50 इंच की भाई स्मार्ट टीवी है, उसका प्राइस रखा है 32,999। इस पर आप डिस्काउंट लगाओगे तो ये आपको ना 30,000 के अंदर आपको ये स्मार्ट टीवी मिल जाएगी। एंड फीचर्स बता ही देते हैं, पहले प्राइस बता दिया यार, अब फीचर और बता देते हैं। जैसे कि इसमें जो OS मिलता है ना, वो भाई आपको इसमें एंड्रॉयड 10 का आपको इसमें भाई सपोर्ट मिलता है। सो इसमें ना आपको देखो सब चीज़ मिलती है, जैसे कि ऑक्सीजन प्ले में आपको पता ही है कि कुछ चीज़ें आपको इंस्टॉलेट मिलती हैं, मतलब कुछ चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती हैं, और भाई वो सजेस्ट करता है आपके इंटरेस्ट के हिसाब से। सो ऑक्सीजन प्ले आपको इसमें मिलता है, और भी भाई काफ़ी सारे इसमें आपको ऐप मिल जाते हैं, जैसे कि हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो वगैरह, ये सब चीज़ तो आपको इसमें मिलती है। एंड भाई इसमें आपको गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट मिलता है। रैम की बात करें तो 2GB की आपको इसमें रैम मिलती है, 8GB की आपको स्टोरेज मिलती है। देखो 30,000 के अंदर 8GB मिलेगी, 16 तो बहुत मुश्किल है मिल जाए। एंड ये कंपनी की भाई स्मार्ट टीवी है, मतलब वन प्लस की है, तो भाई 8GB भी बहुत है, समझ सकते हो आप। एंड इसमें पोर्ट्स की बात करें तो देखो 3 HDMI आपको इसमें पोर्ट मिलते हैं, इसमें 2 भाई USB पोर्ट मिलते हैं। और भाई आपको ना इसमें एक और फीचर मिलता है MEMC। भाई देखो इस फीचर का यूज़ क्या है कि जैसे कोई एक्शन वीडियो आप देख रहे हो, फास्ट एक्शन वीडियो, मतलब मुक्का उक्का चल रहे हैं, गाड़ी वाड़ी, मतलब सब कुछ गाड़ी वाड़ी तेज चल रही है, तो आप ना उसको देखोगे, वो आपको ना स्मूथ एक्सपीरियंस होगा, आपको चीज़ें काफ़ी अच्छी तरीके से विजिबल होगी, आपको मतलब दिखेगी। ऐसा नहीं कि भाई निकल गया, मतलब मुक्का चल रहा है भाई, गाड़ी चल रही है, निकल गई, आपको दिखी नहीं। सो इस MEMC की वजह से भाई वो चीज़ आपको काफ़ी स्मूथ दिखेगी। सो ऐसा कुछ इसमें सपोर्ट मिलता है। एंड आपको ना इसमें भाई 60Hz का रिफ्रेश रेट भी मिलता है। सो कोई दिक्कत परेशानी है नहीं भाई, काफ़ी अच्छी तरीके से भाई स्क्रॉलिंग वगैरह होती है, सो टेंशन वाली बात नहीं है। एंड इसमें ना आपको भाई वन प्लस का इको सिस्टम का सपोर्ट मिलता है, जैसे कि वन प्लस का जो प्रोडक्ट है ना, TWS हो गए, स्मार्ट वॉच होगी, और भी भाई काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। सो आप ना उनको अपने टीवी के साथ अटैच कर सकते हो, जैसे कि भाई देखिए आप टीवी देखते देखते भाई सो गए, ठीक है, तो आपकी स्मार्ट वॉच ना टीवी को बता देगी कि भाई हाँ ये बंदा सो चुका है, तो टीवी अपने आप ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। सो ऐसा कुछ भाई वन प्लस का इको सिस्टम आपको इसमें मिलता है, ये चीज़ मुझे काफ़ी बढ़िया लगी। एंड आप कुछ चीज़ सुन रहे हो तो आपको लगे कि भाई कोई डिस्टर्ब ना हो, तो आप ना इसमें वन प्लस के TWS कनेक्ट करके भी आप सुन सकते हो कोई भी चीज़। तो ये चीज़ काफ़ी बढ़िया लगी, मतलब स्मार्टफोन की तरह आप इस स्मार्ट टीवी को यूज़ कर सकते हो। एंड आपको इसमें एक किड्स मोड भी मिलता है, तो किड्स की मतलब बच्चों की चीज़ें आपको इसमें मिलती हैं, लेकिन बच्चे भाई कुछ भी चीज़ करने लग जाते हैं और कुछ भी गलत सलत ना आ जाए, सो आप ना उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो अपने रिमोट के थ्रू। सो ये भी चीज़ मुझे काफ़ी बढ़िया लगी, मतलब बच्चे अपने खेलने कूदने की चीज़ें देखें, अदरवाइज कुछ चीज़ नहीं दिखे, वो आप जो है उसको कंट्रोल कर सकते हो, ये चीज़ मुझे काफ़ी सही लगी। एंड इसका रिमोट जो है ना, आप रिमोट देख सकते हो भाई, इसके रिमोट में बटन्स जो है एकदम मतलब रिमोट के अंदर ही हैं, आप अंधेरे में उसको यूज़ कर सकते हो। देखो ये बेनिफिट है, मतलब ऐसा नहीं कि बेकार चीज़ है, अच्छी चीज़ है कि आप ना भाई आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो आप अंधेरे में ना ऐसे ऐसे करके भी भाई पहचान कर लोगे। और इसमें ना भाई आपको कुछ हॉट्स की दे रखी है, जैसे नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, ये सब चीज़ आपको इसमें एक इंडिविजुअल आपको बटन दे रखा है। सो काफ़ी अच्छी बात है। और भाई स्मार्ट टीवी में जो माइक नहीं दिया गया, तो आपको अगर गूगल असिस्टेंट यूज़ करना है तो आपको ना भाई अपने रिमोट में बोलना पड़ेगा, प्रेस करके गूगल असिस्टेंट को जो भी बोलना है वो आपकी स्मार्ट टीवी में प्ले हो जाएगा। सो ये भी चीज़ काफ़ी अच्छी लगी मेरे को। एंड आपको ना भाई इसमें एलेक्सा का भी आपको सपोर्ट मिलता है, सो काफ़ी अच्छी बात है। सो ओवरऑल भाई आपको ना ये सब फीचर मिलते हैं। देखो 30,000 के प्राइस रेंज में
कंपनी भी आपको बढ़िया मिलती है एंड चीज भी आपको काफी बढ़िया मिलती है। एंड ये ना कुछ लॉन्चिंग प्राइस है भाई अभी, तो शायद अगर सेल बढ़ी तो भाई प्राइस बढ़ सकता है। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चेक करना चाहो चेक कर सकते हो। एंड इसमें मेंबरशिप का कुछ कार्ड वगैरह भी मिलता है, अमेज़न प्राइम की आपको कुछ मेंबरशिप मिलती है एक साल की। सो ये भी चीज़ आपको काफ़ी बढ़िया चीज़ मिलती है, मतलब बेनिफिट ही बेनिफिट है, कोई नुकसान तो भाई है नहीं। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चेक करना चाहो चेक कर सकते हो। एंड यहाँ तक आए वीडियो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेटिव अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए